की पूजा होती थी। वेदों में कितने भी दुर्गा की पूजा का नामोनिशान नहीं है और ना गीता जी में दुर्गा की पूजा का। गीता जी चारों वेदों का सारांश है, उन्हीं का अंश है, कोड वर्डों में यानी संक्षिप्त में। उसमें केवल आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। दुर्गा की कितने पूजा का जिक्र नहीं। और ये कहें सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे, उसका दर्शन करने में उनका मन ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और अब कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में क्या बताती है अपनी पुराण। अब कहते हैं राजन उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे ना, आज कलयुग के ब्राह्मण है वह, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुणात्माओं यदि मौखिक ये कह कर छोड़ दिया जाए, एक नहीं सुना इस मालिक के यथार्थ ज्ञान को, और अब सभी सुनेंगे क्योंकि इन प्रमाणों को देखेंगे गदगद हो जाएंगे। अब ये तो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, सारी बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी मत करो, उसका ओम नाम है। देखिएगा पुणात्माओं, ये दास बार बार आपको याद दिलाता है कि भगवान का पाना सबसे आसान है। सतलोक में जाना, यहाँ से पीछा छुटवाना जन्म मृत्यु से, बहुत ही आसान है, इजी है, क्योंकि इसमें करना भी कुछ को ना। हम अपना जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो कर्म करते करते हमने परमात्मा की भक्ति करनी होती है। इन अज्ञानियों ने इसको इतना जटिल बना दिया, कोई तो बर्फ में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई कितना दूने बठबाड़ रहा चारों तरफ उसमें बैठे आँख नीचे पशु की तरह है, कोई नंगा खड़ा है, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, कोई उल्टा सर कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई मंत्र का जाप कर रहा है। तो हम ये सोचा करते थे कि ये साधनाएं तो ये यही जो कर रहे हैं यही परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। अब पता चला कि किसी भी ग्रंथ में ये हठयोग करने का आदेश नहीं, बल्कि इनको तो निषेध बताया है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का एक प्रथम कर्तव्य जानकर ओम का स्मरण करो। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब इसका लाभ मिलेगा। भस्मांतम शरीरम, जब शरीर का नाश होगा, जब तुम्हारा यो शरीर जो ओम नाम से जो तूने भक्ति की है, इस सतर की जो अमृतव है तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में काफ़ी वर्षों तक, कई हजार युगों तक ये प्राणी महासुर्ग में रहता है, ब्रह्मलोक में रह जाता है। और इसलिए कहते ओम सतर की जो गति है उससे प्राप्त होगी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो श्री छोड़कर जाता है सह याति परमाम गति। अब ओम नाम से जो गति होती है वह श्रेष्ठ गति कौन सी है, वह परम गति कौन सी है, ब्रह्मलोक प्राप्ति। तो इसी प्रकार ये दुर्गा कह रही है कि ओम नाम का जाप कर और ब्रह्मलोक में चला जाएगा और मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो किसे विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण और कलयुग और त्रेता द्वापर प्रलय तक और भी नमन सतरता, कलयुग का तो ज्ञान क्लियर कर दिया कि उन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे आज के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ये ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण वो होता है जो गुरुपद पर है, जो मार्गदर्शक है, आध्यात्मिक टीचर है, नॉन एज ब्राह्मण, पंडित सोए जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये नकली ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो हम हैं जो हमने भगवान पर जान लिया,
ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाने, परमात्मा को पहचान ले, उनमें डिफरेंस जान ले, और वो ब्राह्मण है, वही पंडित है। तो अब देखिएगा दुर्गा क्या बताती है। ये तो कहें दुर्गा वेद के पक्के विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे सतियों के ब्राह्मण। और दुर्गा क्या कहती है, सातवां स्कंद संक्षिप्त देवी पुराण 562 पृष्ठ पे। अब देवी देवी दुर्गा जो है हिमालय को ज्ञानोपदेश दे रही है और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब यहां से लेंगे क्योंकि ये पहले तो अपना बताती है, मेरी भी पूजा छोड़ दो, आगे बताएगी उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। और देखना वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। अब जिन पुण्यात्माओं ने इस दास का ज्ञान सुन रखा है वो तो आसानी से समझ जाएंगे ये उवाबाई बोल रहे हैं। दुर्गा इसको अक्षर ब्रह्म कह रही है, ब्रह्म को, ये तो सर्वब्रह्म है, नाशवान है। अब ये महिमा तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा की और आखिर में नाम बताते हैं ब्रह्म का, काल के जाल का इनको पता, इतना ही ज्ञान इनको। वह सबकी प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सोमे उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। यहाँ तक कह रही है अक्षर ब्रह्म, और यहाँ क्या कहती है कि प्रणव ओम तब उसका धनुष है, यानी वो तो नाम है, जीवात्मा उस बाण ने खींचा यानी जाप करे और ब्रह्म टारगेट हो, ओम का जाप करे ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। ये अक्षर ब्रह्म, यहाँ अक्षर रूप ब्रह्म कह रही है, यहाँ केवल ब्रह्म पर आगे ये न्यू भ्रमित हो रहे हैं सभी। महिमा शुरू करते हैं क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है और पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, इतना ही अंतर है। लेकिन कबीर परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही और जोन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। तो ये सभी महिमा तो गाते हैं अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी भगवान की और आखिर में मंत्र ओम को मान लेते हैं उसी का, और ये भी कह रही है ब्रह्म का वो जाप ओम है। आगे देखिए उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा कहती मेरी पूजा भी नहीं करनी चाहिए, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने की का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखिए यहाँ क्या कहती है कि वह सबका आत्मा ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, वह स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। अपने आत्माओं दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स और मत करो, सब बातें छोड़ दो जब तुम्हें कल्याण चाहिए। और ये सतयुग के ब्राह्मण कहे हैं बोला वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, वो टट्टू विद्वान थे, कमाल की बात कर रखी।
वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा नहीं, दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है और कुछ भी मत करो, तुम्हें कल्याण चाहिए। इन्हें तो डले डोण चाहिए था, माया के पुजारी थे, सिद्धियां चाहिए थी या धन चाहिए था। अब जैसे एक कश्यप नाम के ऋषि थे, कश्यप नाम के, और एक बार राजा परीक्षित को श्राप दे दिया ऋषि ने कि सातवां दिन तेरी मृत्यु होगी, सांप डसेगा। कश्यप ऋषि के पास एक सिद्धि थी कि सर्प के डसे से हुई मृत्यु को वह जीवित कर सका था अपने मंत्र सिद्धि के कारण, वो चल पड़ा। अब सर्प को पता चल गया, वो सिद्धि युक्त थे, सर्प को बता दिया किसी ऋषि ने कैसे ऐसे कश्यप ऋषि उसको जीवित करेगा, तो वो सर्प जो है तक्षक रस्ते में मनुष्य रूप धारण करके खड़ा था। ऋषि से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, ऋषि ने बता दिया कश्यप ऋषि ने कि मैं ऐसे ऐसे राजा परीक्षित को सर्प डसेगा तक्षक और मैं उसको जीवित कर सकता हूँ। अब वो तक्षक कहने लगा ऋषि जी आप वहाँ ना जाओ, मैं वो तक्षक हूँ। और ऋषि ने श्राप दे दिया, मुझे आदेश दे दिया उसको कि तू उसने डस, और यदि मैं नहीं डसूंगा और वो नहीं मरा तो ऋषि मुझे श्राप दे देगा, वो बहुत सिद्धि वाला है और आप ना जाओ। कश्यप कहने लगा नहीं मैं तो जाऊँगा, मुझे वहाँ से क्या उद्देश्य तेरा वहाँ जाने का, कि बहुत धन मिलेगा, राजा को जीवित कर दूंगा, मुझे बहुत धन मिलेगा। अब कश्यप कहने लगा भी तेरे मंत्र में ऐसी क्या शक्ति है, तो तक्षक कहने लगा कि मैं इस वृक्ष को डसूंगा और ये एकदम जल जाएगा सारा, इसके डंठल पेड़ पेड़ ये रह जाएगा, तना तना खत्म हो जाएगा, कती कोला हो जाएगा, क्या तू इसको जीवित कर देगा। ऋषि कहने लगे हाँ। तो तक्षक ने अपना रूप धारण करके सर्प का उसको डस दिया, वो वृक्ष कती जल गया सारा। और उस कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र बोल कर उसको ऊसा हरा भरा कर दिया, तक्षक के पैरों तले की जमीन निकल गई। तक्षक कहने लगे अभी तूने जो पैसा चाहिए मेरे से ले ले, मैं तुझे धन दे दूंगा पर तू वहाँ मत जा। वो नहीं माना। फिर उसने कहा आखिर में देखा, ध्यान दृष्टि से देखा ऋषि ने, क्या देखा कि अभी राजा परीक्षित के प्रारंभ में ही ऐसा लिखा हुआ है, प्रारब्ध में उसकी मृत्यु है, उसकी आयु शेष नहीं है। तो उसी समय कहने लगा ठीक है तक्षक, ला मुझे धन दे, तू क्या देना चाहता, मैं नहीं डसना चाहता, मैं उसको जीवित नहीं करूँगा। अब तक्षक ने कहते उनको काफ़ी धन दे दिया और पंडित जी गेर के कट पर वापस आ गया। ये इनकी साधना थी, है थरा गजब, सारी उम्र डले डोए ये सिद्धियाँ प्राप्त कर ली और प्रभु उपाय किए, सांप के जाड़े लान लागे। तो इसलिए सतयुग के ब्राह्मणों में दुर्गा की पूजा की उत्सुकता थी, ये सिद्धियां प्राप्त करके धनी बने थे, किसी का जंतर मंत्र कर दिया राजा लोग धन दे देते या अपना काचे काट्या करते, इन्हें के जरूरत है भगवान की साधना की। अब दुर्गा कह रही है कि तुम सब बातें छोड़ दो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और ब्रह्म क्या करा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि मुझे ज्ञान नहीं उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जिसकी साधना से अमर तव प्राप्त होता है, पूर्ण मोक्ष होता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे वो ज्ञान सुन, वो बताएंगे वो ज्ञान। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते इसको, इनकम्प्लीट है। ब्रह्म तक की साधना का इसमें जानकारी है और वैसे पूर्ण परमात्मा की महिमा से ये भरा पड़ा है चारों वेद और गीता जी। अपुणात्मा एक शब्द दास ने और बोला कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात श्री कृष्ण जो विष्णु अवतार थे, इनको भी आध्यात्मिक ज्ञान का कह कह का नहीं पता था। आज दिन के सत्संग में भी सुना था, थोड़ा सा इससे लिंक बनता है, ये भी दिखाना पड़ेगा, अभी देखिएगा। अपुणात्मा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको सुबह भी भूख लगती है और शाम को भी भूख लगती है, तो वो स्वस्थ है। और सुबह जो खाना खा लिया और शाम ने वही रोटी दिखी और माथा ठनका, उसको रुचि नहीं बनी तो समझो उसको कोई बीमारी हो चुकी है।